ओम शांति। सफलता के 5 कदम इस कार्यक्रम के तहत मंच पर आसीन जिनकी वाणी से आपने अमृत तुल्य बोधामृत सुना, वो हमारी दीदी प्रभा दीदी जवाहर नगर से पधारे हुए आदरणीय पुरुषोत्तम भाई, सन्माननीय दिनेश भाई पंचबुद्धे, मंच पर आसीन डॉक्टर चारमोड़े जी, होडघेरे सर, चुटे सर, हमारे वरिष्ठ कृष्णाजी खेड़ीकर, बाबूराव भाई यहाँ पर उपस्थित, सभी माता और बहनें, जब अमृत की बरसात होती है उस समय आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, और ऐसे ही अनुभव दीदी मैंने आपकी वाणी से सुना। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, पहले ही कह देता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ बैठे बैठे जब आप सब चीज़ें कह रही थी उस समय मैं सोच रहा था कि मनुष्य का मूल स्वरूप क्या है। तम परम पूज्य परमात्मा ने मनुष्य का मूल स्वरूप जो बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। इसका मैं छोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप जो रोज हमेशा जिस चीज का अनुभव करते हैं, हम एखादी मूवी देखते हैं या टीवी में आजकल सीरियल का बहुत चलन है, उसमें से रामायण महाभारत जो हमको बहुत प्रिय सीरियल थे, उसमें से जब हम देखते हैं उसको तो देखते समय यहाँ पे बैठे हुए एक भी आदमी मुझे दिखाओ जो रामायण देखते समय रावण की तरफ से रहता है, वो हमेशा मन के अंदर हमेशा राम का अच्छा होना चाहिए, राम जीतना चाहिए, यही सोचता है। इसी तरह महाभारत देखते समय कौरवों की तरफ से एक भी आदमी नहीं रहता, वो सोचता है हमेशा कृष्ण का अच्छा हो, पांडवों का अच्छा हो। तो मूल भाव क्या है? मूल भाव हमारा, ईश्वर ने जो हमारी निर्मिति की है वो अच्छी है। अब सिर्फ हमें इस अच्छाई को संजोड़ के रखना है, उसको बढ़ावा देना है, और उसको संजोड़ के रखना और बढ़ावा देना है तो इसके लिए एक मेवा ही उपाय जो है हम सोचते हैं, जो मुझे अभी ज्ञात हुआ वो है अध्यात्म। और इस अध्यात्म में भौतिक सुविधा विज्ञान की ओर से हमको बहुत मिली, मैं पढ़ लिख गया, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिली, सुंदर सी बीवी मिलनी चाहिए, सुंदर सी बीवी आ गई, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा घर होने के बाद घर के सामने 4-व्हीलर खड़ी होनी चाहिए, फिर लड़के आए, लड़कों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आदमी की इच्छा आकांक्षाओं का अंत नहीं है, लेकिन आदमियों की इच्छा आकांक्षाओं का अंत न रहने के बावजूद अगर समाधान मिलना है आपको
तो आपको अध्यात्म की ओर जाना ही पड़ेगा। और इसी तरह अध्यात्म में जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको समाधान की अनुभूति होती है। मैं शुरुआत में भी बोल दिया था, कह दिया था कि मूल स्वरूप आदमी का अच्छा है। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके घर में हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बीवी, धर्म पत्नी, कुछ जो चीज हमको बहुत पसंद होती है वो बनाती है। उसमें उसके बड़ी मेहनत और लगन से बनाती है और वो सोचती है ये आएंगे, मेरा भाई आएगा, मेरे पप्पा आएंगे तो मैं इनको खिलाने के लिए दूंगी। वो उसके लिए वो चीज बचा के रखती उनके लोगों के लिए। और जब उनको परोसती है, परोसते समय आपकी छोटी बहन, छोटा भाई या लड़का आ जाता है और जिद करने लगता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे यही होना, भैया मुझे यही होना, तब आप क्या करते हैं, सहज रूप से उसको वो चीज दे देते हैं। लेकिन वो चीज वो जब जिस समय वो खाते रहता है, उस समय जो आप अनुभूति करते हो, जो उससे खाने से नहीं देने से मिलती है, वो समाधान मिलता है। ये आदमी का मूल स्वरूप है। और देने से आदमी को अंतरात्मा में शांति की अनुभूति मिलती है कि मैंने आज कुछ त्याग किया, अपनी इच्छा आकांक्षाओं को मारा। और इसी तरह हर आदमी को अपनी ये चीजें संजोड़ के उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि अगले 5 दिनों में सही में है ये चीजों की, ज्ञान सत्रों की सही में जरूरत है, हमारे जैसों को भी जरूरत है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और फिर वही कहानी 365 दिन चलते रहती है। लेकिन अपने ऊपर हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये सोचने का समय किसी को नहीं मिलता। और वो सोच के, और मैं, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि आदमी का मस्तिष्क, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो 13%, 14%, 12% यूज करता है, 100% कोई यूज नहीं करता। और उसको यूज करने की विधि अगर किसी में होगी तो वो आध्यात्म में है। और वो आध्यात्म का ज्ञान सिर्फ एक ही दुनिया में, एक ही जगह मिल सकता है, वो है भारत। और उस ज्ञान की ये धारा बट रही है, जिसको लूटना है ये 5 दिनों में लूट लो और अपने आप को मस्त कर लो। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उन लोगों ने अगले 5-6 दिन जब तक के सत्र चलेगा, आप तो खुद आना ही है, लेकिन आपके साथ में दिन में जो जो लोग आपके संपर्क में है उनको भी बताना है, सिर्फ एक बार चल के तो देख। वो यहाँ पे आने के बाद और दीदी की वाणी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता दूसरे दिन नहीं आएगा। इसी शब्दों के साथ आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और यही अपनी वाणी को विराम देता। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता बाड़ा भाऊ जी काशीवाद जी का। अभी दीदी जी के हाथों भाई साहब को दीदी जी सौगात और ईश्वरीय सौगात और टोली देंगे। और अभी हमारे सामने कुमारी अंजलि और कुमारी प्रणाली बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। रिद्धि सिद्धि के दाता कुमारी अंजलि और कुमारी प्रणाली।